नमस्कार, आज मैं हर्षवर्धन आप सबके सामने शेखीबाज मच्छी का एक पपेट शो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह भोजन करके आराम कर रहा था। उस शेर ने बहुत दिनों से नहाया नहीं था। जब वह शेर आराम कर रहा था, तब एक मक्खी उड़ती उड़ती हुई उस शेर के कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। वह शेर गुस्से से बोलता है, अरे मक्खी, यहाँ से भाग जा, वरना मक्खी बोली, वरना क्या, मैं तुझसे लड़ भी सकती हूँ। शेर ने गुस्से से एक पंजा मारा और मक्खी उड़ गई। पर मक्खी फिर से थोड़ी देर बाद शेर के पास आई। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मक्खी ने कहा, छी छी, राजा के मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती। मक्खी शेर को बहुत परेशान करती है। शेर मक्खी से थक जाता है और कहता है, मक्खी बहन, आप जीती गई और मैं हार गया। मक्खी घमंड में आगे बढ़ती है। उसे रास्ते में हाथी मिलता है। वह उसे कहती है, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर ले लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी की तो मैं
बजाते खत्म कर दूती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटती और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई हुई वहां से चलती बनी। थैंक यू।